नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस के अलावा उनके लुक पर भी लोगों की ज्यादा नजर रहती है। कैप्टन विराट कोहली के अलावा महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, चहल जैसे कई क्रिकेटर्स हैं जिनकी फिटनेस के अलावा हेयर स्टाइल भी खूब सुर्खियां बटोरता है। वर्ल्ड कप में लीग के 4 मुकाबले खेल चुकी टीम इंडिया का अब अगला मुकाबला 22 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ है। इस मैच में भी फैशन आइकन बन चुके महेंद्र सिंह धोनी, युजवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या आपको नए हेयर स्टाइल के साथ नजर आएंगे। दरअसल 16 जून को पाकिस्तान को 89 रनों से हराने वाली टीम इंडिया को अगला मैच 5 दिनों बाद खेलना था। ऐसे में ज्यादातर क्रिकेटर्स 2 दिन की छुट्टी पर निकल गए, जबकि महेंद्र सिंह धोनी, युजवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या सलून निकल गए, जहां तीनों ही खिलाड़ियों को मशहूर सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने नया हेयर लुक दिया। आलिम हकीम ने अपने ट्विटर हैंडल पर हार्दिक पांड्या की न्यू हेयर स्टाइल वाली तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वो कूल डूड नजर आ रहे हैं। पांड्या के बाद आलिम हकीम ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी नया हेयर स्टाइल दिया। पांड्या धोनी के बाद आलिम हकीम ने टीम इंडिया के गेंदबाज युजवेंद्र चहल को भी नया हेयर स्टाइल दिया, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। एमएस धोनी को इस नए लुक में साइड के छोटे बाल और एक बियर्ड लुक में देखा जा सकता है, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों दिलों पर कब्जा कर लिया है। हार्दिक पांड्या और चहल भी कुछ इसी लुक के साथ नजर आए। आलिम हकीम इससे पहले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को भी नया हेयर स्टाइल लुक दे चुके हैं। आमतौर पर आपने किसी जेंट्स बार्बर को ही देखा होगा, लेकिन आलिम हकीम दो लड़कियों ज्योति और नेहा को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिनकी तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट करते हुए आलिम हकीम ने लिखा है, आज मुझे इन दो प्रेरक लड़कियों ज्योति और नेहा के साथ काम करने का मौका मिला, हमारी बार्बर गर्ल्स को सलाम। आलिम हकीम अजय देवगन स्टाइल वाला हेयर लुक भी काट चुके हैं, जिसका वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है। बहरहाल मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम के लंदन सलून से नए हेयर लुक के साथ निकले धोनी, चहल और पांड्या अब आपको 22 जून को साउथहैम्पटन में अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में नजर आएंगे। 4 मैच खेल चुकी टीम इंडिया 7 पॉइंट के साथ इस वक्त चौथे नंबर पर है, जबकि अब तक 5 मैच हार चुके अफगानिस्तान पॉइंट टेबल में सबसे नीचे 10वें नंबर पर है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इन तीनों मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी, युजवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या में से किसकी हेयर स्टाइल आपको ज्यादा पसंद आए। या आई मीन द कंडीशंस एंड द लेंथ ऑफ द गेम विल ऑब्वियसली मेक अस थिंक अबाउट अ फ्यू कॉम्बिनेशंस दैट वी कुड पोटेंशियली गो इन विद। Look, we, as I said, we're not focusing too much on the strengths of the opposition. The kind of spinners and the kind of bowlers that we have in our team, it's difficult for any team to just come out and attack these guys straight away. You know, there's a certain level of risk involved as well when you have world-class bowlers bowling at you and you want to go at them. So I think, as I said, we need to focus on the things that we do well as a side and the kind of combination that we are comfortable with, because we back all the players in our team and expect them to, you know, put in performances and turn up on the day and execute what they are best known for. But yeah, the length of the game and looking at the conditions, we will definitely think of a few combinations. Looking at the, you know, playing against Australia and how you approach Pakistan, which is also a subcontinent side, and also with the rain threat around, how do you plan it? Do you have to plan something different from Look, we'll have to be flexible. We can't be rigid in our approach, because if the conditions are very different from what we played in the last game, then we'll have to think of different combinations, you know, which areas to strengthen when it comes to the bowling attack,
If pace becomes a more potent option, then we'll look to explore that. If not, if the length of the game is going to be full and like, you know, if we expect the game to be 50 overs both sides, then we'll probably think of another combination. But yeah, we'll have to be flexible. We'll have to see how today pans out, how tomorrow the conditions are, and then I think all players are in a zone to be ready to play. So that helps in selecting the combination that you need to, depending on what conditions you're going to face. Well, I'm from Voice of Germany, I would like to ask about tomorrow match after the weather. Who is real threat in Pakistan team for you? As I said, we're not focusing on the opposition. So for us, no one's a threat. For us, no one player matters more than the other. For us, it's about going in onto the park as the Indian cricket team and taking on whichever team is in front of us. If we play well, as I said, we can beat any side in the world. If you don't play well, teams are going to come out and beat you. So that's how simple the game of cricket is. And it should be. And in our minds, nothing changes according to the opposition. So we're only focusing on playing the kind of cricket we're known for. Not singling out any player from the opposition or focusing on one particular player more than the other. Hi, Viraj, in the context of this match, India-Pakistan generally said that players need to treat it as just another match. That's always difficult, but you guys seem extremely relaxed while practice, and also the fans, probably you can say something to the fans to treat this match as just another match. Look, I can't tell the fans to, you know, think of the game in a particular manner. For us, it's professional approach to the game which is most important. We can't get too emotional or too overexcited with any occasion that we play in. So obviously the mindset of the player is always going to be different from the fans. You can't mix the two. You can't expect the fans to think in a professional manner, you know, focusing on each ball. Our attention span has to be very precise on the field because we have that split second to make a decision. But from the fans' point of view, looking at the atmosphere and the frenzy around the game, I wouldn't say it's easy to think like a player. And for the players, it's very, very crucial to be absolutely professional and beat any team you're up against. I mean, in a World Cup, we'll have full stadiums in every game. So it's not going to be drastically different atmosphere from any of the other games. It's going to be a full stadium. We know that. We expect that to happen in all the games that we play. But look, for the fans' point of view is very different, and they should enjoy the atmosphere. They should enjoy the occasion the way they want to and the way it's been enjoyed for years. But the players obviously have to maintain the mindset that we have maintained for years approaching any kind of game, whether it's India, Pakistan, India, Australia, India, England or South Africa, whoever it is. Our mindset remains the same, which is to go out there, be professional about our cricket and execute what we are expected to execute, because this for us is a responsibility, and you know, people expect us to play a certain way, and that's our focus. We'll take one more question from the left. From Champions Trophy onwards, this is a team we play not very often compared to, let's say, Australia. So, you know, how much of a challenge is it to play against the unknown factor? There are some players to change, new players would come in. Is it more challenging, or how do you approach it? I don't see it as a massive challenge, because even the teams that you know very well, you still have to go out there and play good cricket. And if you play good cricket, if you do the basics better than the opponent, then invariably in cricket you win. Unless someone comes out and, you know, creates a match-winning, magical performance all by himself. More often than not, if 11 guys execute what they're supposed to on the field with absolute precision and focus, you end up winning the game more often than not. So for us, it's as I said, the most important thing and the most crucial thing is to focus on us as a team and what our strengths are. And we believe that if we do our strengths well, that is good enough for anyone in the world and up against anyone in the world. So we have to carry that kind of belief. And for us then, you know, familiar oppositions, unfamiliar oppositions don't matter, because you understand that if you don't play well, you don't win. And if you play well, you can win against anyone. So I think our focus will be to do that and do that consistently, because it's a long tournament and we need to keep playing the kind of cricket we have played in the first two games. Move to the right here. Viraj, for many people, it is not only a game, it's something else, and especially in India and Pakistan. But you tell me that, you know, there are new guys in our in team as well. So what are you telling them, and what is the mood in the camp now? We have literally discussed nothing different from the time we came to England. The mood, the atmosphere in the dressing room hasn't changed. We understand that
any game that you play for your country can be, you know, emotional, adrenaline filled. So no one game is more important or more special for us than the other. As cricketers who have been selected to play for the country, our responsibility is to treat every game equally, because you have to be committed to play for your country every game that you play, regardless of the opposition. So for us, nothing in the change room is different. Nothing changes in our mindset. We are a top side in the world because of the cricket that we played, and we always need to remember that, and our focus is absolutely that. So the conversation, the chat in the change room hasn't changed at all from the time we came to England, we played our first game till now, and it's not going to change in future as well. जी, प्रिपरेशन, जैसे मैंने बोला कि अपनी टीम की स्ट्रेंथ पे अगर आप फोकस रखें तो आप जिस मैच में अच्छा खेलेंगे वो मैच आप जीतेंगे. आप किसी भी टीम के अगेंस्ट हों, अगर आप उनको जानते भी हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस भी जानते हैं, अगर आप फिर भी उसको अच्छे से टैकल ना करें तो जीतने के चांसेस कम होते हैं. तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है कि बेसिक्स तो क्रिकेट में हमेशा रहेंगे, चाहे आप किसी की गेम से फेमिलियर हों या ना हो. एक कवर ड्राइव, एक कवर ड्राइव है, एक अच्छी बॉल, एक अच्छी बॉल है. तो हमारा फोकस वो बेसिक्स पे रहता है हमेशा, क्योंकि उससे हमारी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज और बढ़ती जाती हैं. और अगर 11 लोग एक साथ फोकस परफॉर्मेंस देंगे तो, जैसे मैंने बोला कि किसी भी टीम को आप हरा सकते हैं, और अगर आप उस दिन पे अच्छा नहीं खेलेंगे तो ये स्पोर्ट ऐसा है कि दूसरी टीम भी जीत सकती है. तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करें और एक गेम को गेम की तरीके से खेलें, और जो बेसिक्स हैं उन पर फोकस करें, अपनी जो अटेंशन है वो बिल्कुल प्रिसाइज रखें. विराट, मैच जैसे इंडिया पाकिस्तान का है, लेकिन सबकी नजर आपके और आमिर के कॉन्टेस्ट पे भी रहती है, और आमिर ने वापसी बड़ी जबरदस्त की है, 5 विकेट हॉल भी लिया, तो ये कॉन्टेस्ट आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब फाइनल मुकाबला हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, कह सकते हैं कि वो मिलते थे. देखिए, मैं ना तो यहाँ पे आके कुछ TRP के लिए बोलना चाहता हूँ, ना मैं यहाँ पे आके कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ क्रिएट करना चाहता हूँ. मेरे लिए, आप भले माने या ना माने, मेरे लिए कोई भी सामने बॉलर हो, मुझे सिर्फ वो वाइट बॉल या रेड बॉल दिखती है. और एक जो बॉलर का स्किल सेट है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. जो मैंने साउथ अफ्रीका मैच से पहले रबाडा के बारे में भी बोला, जो अगर अच्छे बॉलर्स हैं, जो इम्पैक्ट बॉलर्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, आपको हमेशा उनकी स्ट्रेंथ्स पे आपको हमेशा वेरी रहना चाहिए कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है. लेकिन आपको वहाँ जाके अपनी एबिलिटी में इतना बिलीफ होना चाहिए कि आप किसी भी बॉलर के अगेंस्ट वहाँ पे जाके रन बना सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि अगर मैं अच्छे रन बनाऊंगा और वो विकेट लेंगे तो मैच का रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा. बाकी के 10 लोगों को भी साथ में अच्छा खेलना पड़ेगा दोनों टीमों की तरफ से रिजल्ट बनाने के लिए. तो मेरे लिए, मेरे माइंड में किसी के साथ कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, ना मैं किसी से कोई कॉम्पिटिशन रखता हूँ, और ना मैं ऐसी सोच रखता हूँ कि मुझे यू नो दुनिया को जाके ये कॉम्पिटिशन जीत के दिखाना है, या वो सब बाहर की बातें, और उस पे मतलब ये तो चीज़ें हमारे दिमाग में आती भी नहीं है. तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल एंटरटेन ना कभी किया है और ना कभी करूंगा. आप जिसके अगेंस्ट भी खेलें, आप पार्ट टाइमर बॉलर के अगेंस्ट भी अगर आप खराब खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे. और मेरे लिए गेम इतनी सिंपल है और मैं इतनी बेसिक रख के खेलता हूँ. देखिए, जैसे मैंने बोला कि कोई एक इंसान मैच का रिजल्ट बहुत कम डिसाइड करता है. वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत जब होपलेस सिचुएशन से कोई 6-7 विकेट आउट होने के बाद किसी ने ब्रिलियंट 100 बना के मैच जिता दिया. लेकिन अगर आप मीरपुर की बात करें तो रोहित ने वहाँ बहुत अच्छी इनिंग खेली थी मेरे साथ, बहुत हमारी लंबी पार्टनरशिप हुई. एंड में MS और रैना ने बहुत अच्छा मैच फिनिश किया, और सचिन पाजी ने वहाँ पे एक बहुत अच्छी इनिंग खेली थी शुरू में. तो ऐसा नहीं है कि 340 रन का टारगेट में अकेले 330 रन बना के आ गया, यू नो. तो आई थिंक वो एक बाहर माहौल बनाने वाली बात अलग होती है. आप एक एज अ क्रिकेटर के तौर पर आप यही सोचते हैं कि यार मैं अपनी टीम के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, चाहे वो वर्ल्ड T20 की बात हो कैलकटा में. तो वहाँ पे भी हमारा बॉलिंग एफर्ट बहुत ही अच्छा था, MS ने मेरे साथ बहुत अच्छी एक इनिंग खेली. तो ऐसा नहीं है कि आप अगर मेरा माइलस्टोन दिख गया या 50-60 रन हो गया या 100 हो गया तो मैंने मैच जिता दिया. वो माइंडसेट कभी नहीं होता है. आपको वो बाहर इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती है, बट जो 25-30 का कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है एक पार्टनरशिप में,